है सभी को जय जिनेन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मसाला डोसा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये बाउल धुली हुई उड़द की दाल है और 3 बाउल चावल हैं। तो इनको मैंने 5-6 घंटे पहले फुलो दिया है, उसके बाद मैंने उसको पीस लिया है। ये देखिए, ये इसका पेस्ट है। अब मैं इसको पेस्ट को 10-15 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद हम डोसा के लिए मसाला बनाएंगे। यहाँ पे गैस ऑन कर देंगे। इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। मेरी कढ़ाई हो गई है। अब मैं इसमें राई डाल दे रही हूँ 1 चम्मच। 2-3 लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल रही, थोड़ी सी ये कड़ी पत्ते डाल दे रही हूँ। गैस को तेज कर देंगे। अब प्याज डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं भूनना है, हल्का सेकना है। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। थोड़ी सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। अब मैं ये आलू उबले हुए हैं, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद मैं निकाल के अब ये आलू प्याज में मैश कर रही हूँ। डोसा मसाला में प्याज बहुत खड़ी नहीं सेकते हैं, हल्की भूनते हैं गुलाबी होने तक, फिर उसके बाद बढ़िया से मिला लेते हैं। ये देखिए हमारा डोसे का मसाला बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूँगी। अब ये मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं डोसा बनाने के लिए तैयार। ये हमारा डोसे का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अभी ये बहुत गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे रही। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए डोसे का बैटर। ये देखिए मैंने ये निर्लेप का तवा लिया है। तवा मेरा ये बहुत पुराना है, नए तवे में डोसे अच्छे नहीं बनते हैं, इसके लिए मैंने तवा को गर्म करने रख दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के एक कपड़े से पोंछ देती हैं। ये देखिए हमारा तवा गर्म हो गया है, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब मैं इस कटोरी से बनाऊंगी। तो मेरा तवा हो गया, अब मैं बना रही हूँ। जब ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगता है
सूख सा जाता है तब इसमें ऑयल डाल देते हैं। अब मैं चारों तरफ से थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। अब मैं साइड में आलू मसाला रख दूंगी। और इसका रोल कर दूंगी। ये देखिए एक डोसा और बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं फिर एक डोसा बना रही हूँ। डोसा हमेशा फुल फ्लेम में ही बनाना चाहिए। जब ये साइड में इस तरह से दिखने लगे हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन, फिर थोड़ी सा ऑयल डाल देते हैं। मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ मसाला। ये देखिए हमारे डोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। ये देखिए मेरे डोसा बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं नारियल चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये पानी का नारियल को हल्का हल्का छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको ग्राइंडर में मैं डाल रही हूँ। इसमें 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, 4-5 कली लहसुन की डाल रही हूँ, 1 चम्मच कच्चा जीरा, थोड़ा सा पानी, नमक, 2-3 पत्ती मीठी नीम की। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए अब मैं इसका बघार बना लूँगी। एक छोटी सी कढ़ाई रखूँगी। उसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। ये मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें राई डाल दूँगी, 3 लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे, 5-6 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दूंगी। अब इस बघार को इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये
ये देखिए हमारा डोसा मसाला बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने ये नारियल की चटनी और ये सांभर के साथ बनाई हुई है। सांभर की वीडियो मैंने पहले इडली में बनाई है, आप देख सकते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेन्द्र।